व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टिल लवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर घड़ी के बारे में। नॉर्मली आप लोग जब भी उठते हैं, बैठते हैं, किसी भी टाइम पर आप लोग घड़ी को देखते रहते हैं, पर लेकिन क्या आप लोग वो काम करते हैं जो घड़ी करती है? किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन, चाहे कोई भी टाइम क्यों ना हो, घड़ी रुकती नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है तब तक कि उसकी सेल खत्म नहीं हो जाती। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यहाँ से घड़ी से हम लोग को एक सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे दुखी हो चाहे खुश हो, हमेशा आप लोग अपना काम जरूर करते रहना चाहिए। यानी कि हमेशा आप लोगों को कभी भी अपने नेचर को अपने काम के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो काम आप लोगों को करना है पर्टिकुलर डे में, जो शेड्यूल, जो टाइम टेबल, जो प्लान आप लोगों ने किया है उस पर्टिकुलर डे में, वो आप लोगों को जरूर कंप्लीट करना चाहिए। और ये एक शानदार सीख आप लोग एक घड़ी से ले सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में जैसे आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे, आप लोग अपनी लाइफ में एक ऐसा चेंज देखेंगे जो कि आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इनके कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर वे में शेड्यूल को फॉलो करने से जो आप लोगों के मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो शांति मिलेगी और जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसका कोई जवाब नहीं है। इंप्लीमेंट करके देखिए, आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो भी ये बातें आप लोगों को बताई जाती है, कोई भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं है, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, लोगों के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती हैं, तो आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ तो आप लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, इंप्लीमेंट करेंगे हम इनको और अच्छे से फॉलो कर चलेंगे। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, बुनारे जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। पर आगे बढ़ने से पहले हल्का सा नजर डाल लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, या फिर ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से कल पूछे थे उनके आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए। बात की जा रही है, अगर एक कंट्री के बारे में बात करें जो कि है हमारा प्यारा भारत, यानी कि इंडिया, 70 साल की हिस्ट्री में आप लोग उठाकर देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने रिसीव की है, जो लोन मिला है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लोन मिला है वो हमारी कंट्री को मिला है। आप लोग रोड, एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी, अलग अलग फील्ड में यहाँ पर इसको देख सकते हैं। IQ एयर विजुअल के साथ में कोलैबोरेट किया गया ग्रीन पीस के द्वारा, और इसी के द्वारा पब्लिश किया गया एक डेटा जिसमें बताया गया काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में पोल्यूशन बढ़ रहा है, और लगभग टॉप अगर 20 सिटी लेते हैं तो उसमें से 15 सिटी हमारी कंट्री की है, जिसमें गुरुग्राम के द्वारा यहाँ पर टॉप किया गया था पोल्यूशन के फील्ड में। तो ये कुछ बातें थी। बाकी आगे अगर बात करें यहाँ पर, देखिए अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो बोला गया है यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर जो होना चाहिए, वो जो होना चाहिए 10 माइक्रोग्राम होना चाहिए यहाँ पर अगर देखा जाए, पर लेकिन हमारी कंट्री में कितना है, यह 113.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर पर होना कितना चाहिए, ये 10 होना चाहिए। तो समझ सकते हैं आप लोग कितना गुना है यहाँ पर, अगर इसको आप लोग एक तरीके से, ये मतलब इस लेवल पर पहुंच चुका है कि जो हेल्थ है वो कहीं भी किसी भी लेवल पर खराब हो सकती है, खासकर प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, जो मरीज है उनको और ज्यादा हालत खराब हो सकती है, जो खासकर जो न्यू बोर्न बेबी हैं, जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। तो ये सिचुएशन है आज के डेट में हमारी कंट्री में जो सिटीज हैं उनके अंदर। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालो, ऐसे ही पोल्यूशन के बारे में जो बातें होती हैं वो फालतू में ही न्यूज में नहीं है, कोई रीजन है उसके पीछे। अगर बात करें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के द्वारा बोला गया 102 सिटीज हमारी कंट्री की 2024 तक पोल्यूशन फ्री बनाई जाएगी। 2024 काफी दूर है, कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि इमीडिएट इंपैक्ट अभी दिखना स्टार्ट हो जाए। तो कुछ ऐसी बातें भी हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि जो महिलाएं होती है उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है कई बार जहां पर वो काम करने जाती हैं, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोहिबिट किया जा सकता है, और कैसे रिड्रेसल किया जा सकता है उस प्रॉब्लम का, इससे रिलेटेड एक्ट निकल के आया था 2013 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ये भी सजेशन किया गया था कि कमिटी बनाइए आप लोग, खासकर सेक्सुअल एलिगेशन से रिलेटेड अगर कोई बातें आती हैं उसकी कंप्लेन सुनने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देखते हैं कहां तक इंप्लीमेंट हुआ, हालांकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ वो भी हम लोगों ने कल देखा था। बात करते हैं पर जैसे मोहम्मद के बारे में, तो यूके ने यहां पर अभी बालकोट पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया, यानी कि एक स्ट्राइक की गई इंडिया की साइड से, उसके बाद में यहां पर यूके ने बोला है कि वो फुल असिस्ट करेगा इंडिया को टेररिस्ट एक्टिविटी से लड़ने के लिए और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को भी शेयर करने के लिए। तो ये काफी पॉजिटिव बात आप लोग अपनी कंट्री, यानी हमारी कंट्री के लिए बोल सकते हैं। नजर डालते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए। लेक्चर की PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम, दोनों के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। अब नजर डालते हैं आर्टिकल्स के ऊपर। ये वाला जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये बाबरी मस्जिद अयोध्या मैटर से रिलेटेड है। यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है मीडिएशन करने के लिए, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में मीडिएटर एक कमिटी सेटअप की गई है कि वो दोनों की जो लड़ाई है वो सुलझाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से आर्टिकल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जो भी बातें की गई है। रोम यानी कि इटली जो है उसने BRI यानी कि जो रोड एंड बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है चाइना का, उसको ज्वाइन करने की बात की है, और कहीं ना कहीं ये यूरोप का जो एक पैटर्न है उसके खिलाफ है। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया, जानेंगे आखिर क्या था ये रोड एंड बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट चाइना का, जो कि कई
बार आप लोग कई बार न्यूज में भी देखने को मिलते हैं। फिर से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल आया है कि कैसे पीस किया जाए, वही सब बातें, तो उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो नहीं डिस्कस करेंगे इसको। यहां पर जो बात की जा रही है ये इलेक्शन का मुद्दा है। यहां पर बोला जा रहा है जब से मोदी जी चुनकर आए हैं 2014 से, तब से लेके अब तक उन्होंने जो अपोजिशन है उसका कोएलिशन नहीं बनने दिया, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाती है। पास्ट में भी कई बार ऐसा ट्राई किया जा चुका है कि हाँ कोएलिशन बना है 2014 के बाद में, पर लेकिन मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी शानदार है कि किसी को टिकने नहीं देती, ऐसा कुछ यहां पर राइटर बोल रहे हैं। तो देखते हैं 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कितना टिक पाते हैं लोग सामने और कितनी अच्छे से पॉलिटिक्स कर पाते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। मानो या ना मानो ये भी एक कला होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है बांदीपुर, बांदीपुर में आप लोगों को टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली फरवरी में वहां पर आग लगी और ये जो आग है आने वाले टाइम में बढ़ती ही नजर आएगी, यानी कि ये घटने वाली नहीं है, तो यहाँ पर इसी के ऊपर पूरा नजर डाला गया है। तो फ्राइडे यहाँ पर ये आप लोगों को सैटरडे को देखने को मिलता है ग्राउंड जीरो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं देखने को मिलती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में देखने को मिलती है, पर हल्का सा एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया भी रहे कि हो क्या रहा है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में अभी फरवरी में आग देखने को मिली, तो वो एक अनकंट्रोलेबल आग हो गई वहां पर। और देखिए अगर कहीं पर कोई आग लगती है तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि लकड़ियां तो जलती ही जलती है, इसी के साथ में आसपास वाले एरिया में अगर खाना जैसे कि पेड़ पौधे जलेंगे तो उनपे फल फ्रूट्स होंगे तो वो भी जलेगा, आसपास में कोई फसल होगी वो भी जलेगी, इसी के साथ में बहुत सारे जो जानवर होंगे वो भी जल के मारे जाएंगे, कीट पतंगे या फिर चिड़िया ये सब भी वहां पर मारे जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई आसपास वाले एरिया में अगर कहीं पर कोई किस तरीके का बिल है और वहां पर आग लगती है जिसमें सांप या फिर चूहे घुसे रहते हैं वो भी मर जाएंगे अंदर झुलसकर वहीं पर ही। कहने का मतलब यह है आग लगने का मतलब ये नहीं है कि बस पेड़ पौधे जल गए, उस एरिया का एक तरीके से जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर इस तरीके से पैटर्न चलता रहा, जो कि ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में टेम्परेचर बढ़ने वाला है, आप लोगों को पता है हम लोगों ने डिस्कस भी किया था IPCC की रिपोर्ट के बारे में, तो ये आगे आने वाले टाइम में टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, तो अब इसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, इसके बारे में अगर नहीं सोचेंगे, तो ये जो आग लगने के जो केसेस हैं आगे और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने वाले हैं। अब इस पर कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखिएगा, ये कर्नाटका में आप लोगों को देखने को मिलता है। आगे बढ़ता हूं, नजर डालते हैं यहाँ पर आर्टिकल के ऊपर जो कि अयोध्या डिस्प्यूट से रिलेटेड है। यहाँ पर यानी कि अयोध्या में जो कंडीशन हुई उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था यहाँ पर, और ये बोलकर बुलाया गया था कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, और जब यहाँ पर हमारी कंट्री पर मुस्लिम राजाओं के द्वारा या फिर आप लोग बोले अगर सुल्तान के द्वारा यहाँ पर रूल किया गया तो उनके द्वारा कई सारे जो मंदिर हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए और मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, ये बातें फैलाई गई सोसाइटी में, और इसी के बेस पर यहाँ पर ये जो मस्जिद थी ये गिराई गई। और कहीं ना कहीं आज तक भी यहाँ पर इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा रहा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अभी जो है इलेक्शन आने वाले हैं 2019 में, तो इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये ऐसे ऐसे मुद्दे और ज्यादा उठाए जाते हैं। आप लोगों को देखने को मिलेगा 2014 में इलेक्शन थे तब ये बात हो रही थी, अभी 2019 में जब इलेक्शन आ रहे हैं फिर ये बात हो रही है, और जब से ये मस्जिद गिराई गई है तब से लेके अब तक का 1992 से लेके अब तक का यही फंडा चला हुआ आ रहा है। जब जब यहाँ पर इलेक्शन आते हैं तब यहाँ पर मंदिर मस्जिद के बारे में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो हिंदू कम्युनिटी वाले चाहे मुस्लिम कम्युनिटी वाले, हर एक लीडर यहाँ पर मुस्लिम वाले अपनी वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में रहते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मस्जिद बनाएंगे फिर से, हिंदू वाले अपने चक्कर में रहते हैं बोलते हैं मंदिर बनाएंगे फिर से। तो कहने का मतलब यह है जनता को बेवकूफ बना बनाकर यहाँ पर ये मुद्दे उठाकर बार बार ऐसी कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अगर लास्ट में में आप लोग उठाकर देखेंगे कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा कि इसका सोल्यूशन निकाला जाए, पर लेकिन यह मैटर इतना पेचीदा होता हुआ जा रहा है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाता है। अब काफी लंबे समय बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच थी, 5 जज की बेंच में उसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहां पर 3 मेंबर का एक पैनल सेट किया गया है। ये 3 मेंबर का एक पैनल जो रहेगा ये जो भी यहां पर जिस जिसके बीच में लड़ाई है उसके बीच में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, यानी कि मध्यस्थता करेगा, यानी कि जब 2 इंसानों में लड़ाई हो जाती है तो उनके बीच में जो लड़ाई को कोर्ट के बाहर ही जिस तरीके से सुलझाया जाता है वो काम करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से यहाँ पर चाह रहा है कि कोर्ट में ये मैटर न लड़ा जाए, आपस में ही बातें कराकर लोगों की जो भी यहाँ पर पार्टी है उनको शांत कराकर और यहाँ पर मैटर का सोल्यूशन निकाला जाए। जो ये कमेटी है ये वर्क करेगी इसी वीक से फैजाबाद में, तो देखते हैं कैसे सोल्यूशन निकाला जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी 4 वीक के अंदर अंदर, ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं, यानी कि विद इन मंथ यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो कौन कौन है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि 3 मेंबर पर कौन है, तो तीनों के नाम और कौन यहां पर इस कमेटी का हेड है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले है यहां पर FML, ये है कलीफुल्ला, ये यहां पर हेड है इस कमेटी के, जो कि यहां पर ये पैनल बनाया गया है। इसी के साथ में श्री राम
ये है यहाँ पर पांचू, इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ये एक सीनियर एडवोकेट हैं। इसी के साथ में यहाँ पर श्री श्री रविशंकर, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो ये तीन पर्सनैलिटी यहाँ पर इस पैनल के अंदर रहेंगी, जो कि ये एक तरीके से सोल्यूशन निकालेंगी अयोध्या में जो डिस्प्यूट चल रहा है। अब नजर डालते हैं आखिर क्या क्या बातें की जा रही है यहाँ पर। अगर आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बोला गया राइटर के द्वारा कि जो ये यहाँ पर अभी बनाया गया है एक पैनल, ये बेमेल है, ये बेमेल है, यानी कि एक तरीके से ऐसे ट्राई पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा चुकी है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो फिर से क्या सोल्यूशन निकलेगा इस तरीके का? कोई यहाँ पर सोल्यूशन निकालने के मुझे नहीं लगता है कोई सोल्यूशन यहाँ पर ये निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर मीडिएशन की बात करें, मान लीजिए दो पार्टी लड़ाई कर रही है ए और बी, उनके बीच में अगर आप लोगों को सुलझावा करना है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को तो डिससेटिस्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि एक पार्टी असंतुष्ट रहेगी। मीडिएशन वैसे वेलकम एक तरीके से स्टेप है सोल्यूशन निकालने का, पर लेकिन आप लोग दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई बात ऐसी की जाती है कि दो, मान लीजिए आप लोग दो रूममेट है साथ में रह रहे हैं, तो कई बार आप लोगों को सामने वाले का नेचर पसंद नहीं आएगा, उस टाइम पर क्या करेंगे आप लोग? सोचेंगे चलो यार कोई नहीं, कुछ दिनों ही तो रहना है, पढ़ाई कर लेते हैं, आगे तो पता नहीं फिर क्या क्या होता रहेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एक साइड में आदमी को कुछ कुछ अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है जब यहां पर मीडिएशन की बात करते हैं तो। और अगर पास्ट में जो भी मीडिएशन किए गए हैं वो अब तक किसी का सॉल्यूशन यहां पर निकला नहीं है किसी भी सिचुएशन में, तो फिर अब कैसे यहां पर सोच लिया कि इसका सॉल्यूशन मीडिएशन निकाल पाएगा? और इसी के साथ में अब तक अगर आप लोग बात करेंगे तो कोई भी पार्टी यहां पर फेवर नहीं कर रही है मीडिएशन का, ये भी आप लोग देखते हैं, और मीडिएशन को बेमेल बोल रही है, और ये अटेम्प्ट पहले फेल हो चुके हैं, तो किस बेस पर आप लोगों ने फिर से मीडिएशन की बात यहां पर की? अगर बात करें 1992 से लेकर अब तक जो 16th सेंचुरी की जो मस्जिद है ये बनाई गई थी, तो इसको तोड़ा गया 1992 में, तो तब से लेकर ये एक एजेंडा चला हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं हर बार जब पॉलिटिकल मुद्दा आता है तब यहां पर ये बातें उठकर आती है, और हिंदुत्व की बात करते हैं और उधर यहां पर इस्लाम की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो डिमोल्यूशन आप लोगों को ये बाबरी मस्जिद का देखने को मिला, यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया सुप्रीम कोर्ट को कि भैया देखिए इसका सॉल्यूशन निकालो, कि यहां पर क्या पहले मंदिर था और यहां पर कि राम कहां पर पैदा हुए थे, ये सारी बातों का सोल्यूशन निकालो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए ये तो बोलना पॉसिबल नहीं है कि यहां पर पहले मस्जिद थी या फिर मंदिर था, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर रिकॉर्ड होता तो अब तक सोल्यूशन निकल जाता, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है, अब राम कहां पर पैदा हुए इसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इसके बारे में भी नहीं पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि 1994 में एक जजमेंट आया, उसने ये बोला कि देखिए फायदा इसी में है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए और एक तरीके से ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करके चला जाए, इसी में सबका फायदा है, यानी कि शांति बनाकर रखी जाए और एक तरीके से बातें करके मीडिएशन कुछ किया जाए, उसी के बारे में सबका सॉल्यूशन एक तरीके से निकलना चाहिए। यानी कि अब ये जाकर चेक करना कि यहां पर कौन पैदा हुआ था और कहां पर क्या मंदिर था मस्जिद था, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, अगर रिकॉर्ड होता तो अब तक सॉल्यूशन यहां पर निकल पाता। पर लेकिन जो अभी बात की गई है मीडिएशन करके, कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात थी, और खासकर अभी आप लोग देखते हैं इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो ये बोला जा रहा है कि जो वो वाला जजमेंट था 1994 का, उसकी स्पिरिट को भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है इसके द्वारा, और एक तरीके से नैरो कर दिया गया उस डिसीजन को भी, जो फिर से मीडिएशन वाली बात की है। पास्ट में कई बार मीडिएशन हो चुका है तो फिर कैसे? इसी के साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया 2010 में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो बाबरी मस्जिद वाला जो एरिया है यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर इसको देखता है, तो उसने बोला था तीन जगह इसको स्प्लिट करने के लिए जो भी यहाँ पर ये जमीन है, एक तो रामलला के नाम पर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो यहाँ पर वक्फ बोर्ड होता है उसके लिए जो भी प्रॉपर्टी होती है, इसी के साथ में यहाँ पर एक और तीसरा पार्ट यहाँ पर बोला गया था, ये यहाँ पर नीरमोही अखाड़ा, इसके नाम पर यहाँ पर ये तीन पार्टी में डिविजन करने की बात की गई थी। पर लेकिन फिर आगे चलकर जब देखा गया फिर भी इसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आया, तो देखिए अब भी ऐसा का ऐसा ही मैटर पड़ा हुआ है, आज तक अब भी कोई नहीं बोल रहा है कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। मीडिएशन एक तरीके से वेलकम स्टेप है, पर लेकिन जो बोला गया अभी फिर से कि अभी बोला गया कि इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसका सोल्यूशन निकालना है, यानी कि जो कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी वो चार वीक के अंदर अंदर सी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और इसी के बाद में जो मैटर सुना जाएगा फिर यहाँ पर, ये टोटल मिलाकर 8 वीक लगाने की बात यहाँ पर की जा रही है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। और दूसरा कंट्री इलेक्शन मोड में भी है, तो देखिए एक हिसाब से पहले जिस दिन ये आप लोगों ने पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए इसका डिसीजन जो आना चाहिए वो इलेक्शन के बाद ही आना चाहिए, ठीक है, अगर इलेक्शन से पहले इसका डिसीजन आया तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो चीजें हैं वो बोली जाएंगी और इसको यूज किया जाएगा इलेक्शन के कंपेन में कि हाँ हम लोगों ने मंदिर बना दिया, हाँ हम लोगों ने मस्जिद बना दी, तो ये कंडीशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये आप लोग समझ भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा अगर रहा तो कुछ तबका ऐसा सोसाइटी का जो रिलीजन के नाम पर इन्फ्लुएंस हो जाता है। दूसरी बात की जा रही है श्री श्री रविशंकर के बारे में कि देखिए
इनको यहां पर इस पैनल में नहीं रखना था, क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल लीडर हैं। इनके द्वारा ऑलरेडी बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी को अपना क्लेम छोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। दूसरा, इन्होंने बोला कि अगर यहां पर नेगोशिएशन नहीं हो पाया हिंदू और मुस्लिम के बीच में तो ये एक सिविल वार यहां पर छिड़ जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे कमेंट पहले ही कर चुके हैं और आप लोगों ने उसी इंसान को यहां पर पैनल का पार्ट बना दिया, तो ये भी यहां पर गलत बात है। और इसी के साथ में देखिए, वैसे हमारी कंट्री सेक्युलर है पर लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सेक्युलरिज्म जो है, यानी कि जो हमारा जो एक तरीके से किसी भी रिलीजन को फॉलो न करके अपने संविधान को फॉलो करके चलना, ये जो पैटर्न है इसको कहीं ना कहीं हर्ट किया जाता है जो हिंदुत्व ग्रुप है उसके द्वारा। जब ये बातें उठाई गई कि यहाँ पहले मस्जिद हुआ करती थी और यहाँ ऐसा मंदिर बना दिया जाइए, इसको तोड़ दिया जाए, वो तमाम जो मुद्दे देखने को मिले, अगर देखा जाए, देखिए वैसे तो कोई क्लियर यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अगर यहाँ पर ये मुद्दे हैं इनको साइड में रखकर अगर शांति में रखने की कोशिश की जाए और ये जो इस तरीके की बातें चल रही हैं एक्चुअल में लीगल क्वेश्चन क्या है उस पर फोकस किया जाए, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। फालतू के मुद्दे को उठाकर और पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लेना और जनता को गुमराह करना, ये कोई सही बात यहां पर नहीं है। मेरी समझ में ये नहीं आता है, ये मेरी पर्सनल राय है और आप लोग इसको चाहे मतलब एक तरीके से वो है कि इसको दिल पर न ले जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं ये बोलने जा रहा हूं कि मुझे समझ में आज तक ये नहीं आया, 1992 की बात आप कर लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, 1992 से लेकर अगर आज की डेट में हम लोग देखें, आज के डेट में हम लोग खड़े हैं 2019 में, तो 2019 से लेकर 1992 में अगर आप लोग देखें इनके इनसे एक चीज डिसीजन नहीं लिया गया यहां पर, ये रिलीजन कास्ट के नाम पर लड़ा रहे हैं लोगों को। अगर रियलिटी में पॉलिटिशियन चाहते तो हिंदू पॉलिटिशियन और मुस्लिम पॉलिटिशियन दोनों मिलते आपस में आके और ये वो ये बोलते कि या तो यहाँ पर स्कूल बना दो, हिंदू के भी बच्चे आएंगे मुस्लिम के भी आएंगे, या फिर यहाँ पर आप लोग हॉस्पिटल बना दो, हिंदू का भी इलाज होगा और मुस्लिम का भी इलाज होगा। इतना आसान सा और साधारण सा सोल्यूशन है, पर लेकिन नहीं, ये जो है एक तरीके से ऐसी चीजें बनाकर रखना चाहते हैं कि टाइम टाइम पर उसको यूज किया जा सके, ऐसे मुद्दे चाहिए, तो ये एक मुद्दा बना रखा है यहाँ पर और इसके अलावा कुछ नहीं है। वरना इतनी शानदार मान लीजिए एरिया वहां पर है, हटा के मंदिर मस्जिद का मुद्दा साइड में, अच्छा सा एक स्कूल बना दो यार वहां पर, कि मतलब कितने सारे बच्चे पढ़ के वहां पर निकल कर आएंगे और आज के में आप लोगों की वैसे भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो वहां पर ऐसी हरकतें करके, पर नहीं, मुद्दा हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये मुद्दे चलते हैं, चलिए जो भी है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल, ये बात की जा रही है रोड एंड बेल्ट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शिजिंगपिंग, उनको एक दिन सो रहे थे वो, तो उनको रात को सपना आया, सपना ये आया कि उनको पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना है, तो उन्होंने वो सपना जाकर बताया अपनी पार्टियों की, भैया ऐसे ऐसे करने हैं, तो उसके बाद से फिर उन्होंने अपना ये ड्रीम जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया कि अब जो है पूरे वर्ल्ड को मैं कनेक्ट करूंगा। देखिए अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर चाइना के द्वारा लेकर आया जा रहा है जो कि चल भी रहा है आज के डेट में, लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट भी हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं चाइना को एक वर्ल्ड और ग्लोबल लीडर बनाकर सामने सबके रख देता है। और आज के डेट में अगर देखे तो यूएसए अपने आप को ग्लोबल लीडर बोलता है, कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री जो है जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, ये भी अपने आप को पावरफुल लीडर बोलते हैं, उनके वहां पर भी व्यापार एक तरीके से जो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी या फिर चाइना में आकर व्यापार करते हैं, तो वो तमाम मुद्दे अपनी जगह है। पर लेकिन जैसे जैसे चाइना उभरता हुआ आ रहा है, जैसे जैसे चाइना अपने एरिया को लेकर आगे बढ़ रहा है, अपनी ताकत मिलिट्री इकोनॉमिक और एयर या फिर आप लोग बात कर लीजिए ओशियन वाली, हर जगह वो अपनी पावर बढ़ा रहा है, तब से लेकर यहां पर एक अलग ही पैटर्न निकल कर आ रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो चाइना से चिढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। अभी जो है यहां पर इटली के द्वारा ये बोला गया है कि वो ये जो यहां पर रोड एंड बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो इसको ज्वाइन करेगा। ये देखिए एक तो यहां पर आप लोग सी रूट देख सकते हैं, वन रोड जो कि यहां पर सी रूट इसको बोला जा रहा है, ये देखिए आप कनेक्ट होकर यहां पर यूरोप तक पहुंच रहा है ये और इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। ये आप लोग देखिए ऊपर वाला जो ब्लैक वाला हो गया ये रेल रूट से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में ये लैंड रूट हो गया जो ये रेड वाला हो गया, तो ब्लैक रेड और ये जो ब्लू है यहां पर ये तीनों अलग अलग तरीके से चाइना क्या कर रहा है अलग अलग कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर डेवलप वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है चाइना यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मान लीजिए जैसे आप लोग उदाहरण ले लीजिए श्रीलंका का, ठीक है, अगर श्रीलंका में चाइना कहता है कि मैं यहां पर आकर 40 बिलियन इन्वेस्टमेंट करूंगा, लोग जो है कुछ कुछ पैसों के लिए आज के डेट में परेशान है, और जब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना करने की बात करता है तो क्या होगा, वहां पे पोर्ट डेवलप किए जाएंगे, वहां पर रोड बनाई जाएगी, अलग तरीके से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो कोई भी कंट्री बोल देगा कि हाँ भैया कर दो, वैसे भी हमको करना ही है, वैसे भी हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर ऐसे बहुत सारे वादे किए थे, अगर आप लोग बना दोगे तो और अच्छा होगा। तो ये ऐसी बातें बोली जाती है। तो चाइना क्या करता है, बहुत लो लेवल पे वहां पर लोन देता है जाकर, और देखिए इतना ह्यूज लोन देता है कि जब उनको अपना जो इंटरेस्ट पे करने की बात आती है उसको इंटरेस्ट को पे करने के लिए भी फिर से चाइना से लोन लेना पड़ता है। यानी कि लोन की एक साइकिल में फंस जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक इंसान ने उधार लिया किसी से
5 लाख रुपए, पर लेकिन 5 लाख रुपए पर उसको ब्याज भी देना था, तो अब जो है यहाँ पर वो 5 लाख रुपए खर्च हो गए, अब उसको क्या करना है, उसके ऊपर ब्याज देना है, तो ब्याज देने के लिए फिर से वो लोन ले रहा है और फिर से यहाँ पर उसको ब्याज दे रहा है, तो वो एक साइकिल में फंस जाता है। वो एक साइकिल ऐसी होती है जो कभी ना टूटने वाली होती है, तो इसको बोलते हैं डेट ट्रैप्ड। तो ये डेट ट्रैप्ड में फंसाने की कोशिश की जा रही है आज के में चाइना के द्वारा, खासकर जो कम डेवलप्ड इकोनॉमी है उनको ये एक तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इंडिया ने भी यही बोला, इंडिया की तो दो कंडीशन थी सीधी सीधी, इंडिया ने पहली कंडीशन तो ये बोली कि देखिए जो चाइना और जो पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है कि वो यहां पर पाक ऑक्युपाइड एरिया से नहीं होकर जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो डेट ट्रैप्ड इनका चल रहा है यहां पर वो ये चक्कर छोड़ देना चाहिए, और ये आगाह भी किया था चाइना इंडिया ने आसपास वाली कंट्री को कि चाइना आप लोगों को फंसाएगा, पर लेकिन देखिए लालच बहुत बुरी बला है और उसी के चक्कर में सब फंसते जा रहे हैं। पाकिस्तान आज के में अपने आप को बेच चुका है कंप्लीटली, और ये पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी भी बोलती है कि ये गलत तरीका हो रहा है, क्योंकि ना वहां पर एनवायरमेंट को फोकस दिया जा रहा है किसी भी चीज को, बस वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और एक तरीके से सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना को चाहिए अल्टरनेटिव रूट इंडियन ओशन में जाने के लिए। चाइना के पास में जो रूट आज के दिन में अगर आप लोग देखेंगे तो चाइना यहां से रूट चाह रहा है इंडियन ओशन में आने के लिए, और चाइना के पास एक रूट आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा इंडियन ओशन में आने के लिए। अगर कल को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि सारे कट्टर दुश्मन है कहीं ना कहीं चाइना के, पर लेकिन व्यापार भी करते हैं क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है कि मेरा सी है और सबको दबा कर रखता है, तो अगर कल को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अल्टरनेटिव रूट चलना चाहिए, और जो पाकिस्तान से वो निकाल के लेके आ रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें कोई बात नहीं है, पर लेकिन किस मतलब उसके लिए पाकिस्तान को क्या चीजें अपनी देनी पड़ रही है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान को खरीद लिया गया है। तो अभी जो बात निकल कर आ रही है वो इटली से निकल कर आई, इटली के द्वारा बोला गया कि वो भी इसको सपोर्ट करेगा। ये हो गया इटली, हमारी कंट्री यहां पर होगी, कंपेयर कर आप लोग देखते हैं। इटली एक यूरोपियन कंट्री है, और अगर यूरोपियन कंट्री का पैटर्न आप लोग देखेंगे वो चाइना को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो G7 मेंबर में से जो इटली के द्वारा यहां पर सपोर्ट किया गया तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इटली है वो आज की डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर किसी न किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए ऐसी बात इसके द्वारा बोली गई। चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कर लीजिए, चाहे यूएसए की बात कर लीजिए, वो चाइना जो कि पावर जो बढ़ाता हुआ आ रहा है उसको हमेशा काउंटर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उससे हमेशा चिढ़ते रहते हैं। अब इटली के द्वारा ऐसी बात बोली गई है तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात है यूरोपियन यूनियन के ऊपर कि वो नहीं चाहता कि चाइना को इस तरीके से बढ़ाया जाए और इटली यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। 2013 में ये जो कॉन्सेप्ट था ये स्टार्ट किया गया, ये ब्रॉड एंड बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, और लगभग उस टाइम पर 65 कंट्री के द्वारा बोला गया था कि वो यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि इस तरीके एक तरीके से मॉडल सिल्क रूट बोला गया था। मॉडर्न सिल्क रूट जो पास्ट टाइम में हुआ करता था व्यापार करने के लिए यूज किया जाता था जो रास्ता, वो यहाँ पर इसको फिर से रिवाइव करने की बात इनके द्वारा की गई। इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर चाइना ने एक तरीके से हाई इनकम इकोनॉमी खासकर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई, यानी कि अपनी कंट्री को एक हाई की इनकम इकोनॉमी बना रहे हैं जैसे कि यूएसए आप लोग देखते हैं, और उसी के साथ में जो रिनबिन भी ये आज की डेट में इनकी करेंसी है उसी को भी ग्लोबल करेंसी के तौर पर ऊपर निकाल के लेकर आना चाहते हैं जैसे कि आज की डेट में डॉलर है। तो ये चाइना के सपने हैं, और इसके लिए जो इन्होंने ये 65 कंट्री बोला था आज की डेट में लगभग 80 कंट्री यहाँ पर इनके साथ में मिलकर ये काम कर रही है, यानी कि जितना सोचा था उससे भी ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही है। क्या करते हैं, मैक्सिमम तो लिस्ट डेवलप कंट्री है जो ज्यादा डेवलप नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी भी कुछ देखने को आप लोगों को मिलती है, और आधार यही है कि ये यहां पर इनको बोलते हैं हम आपको लोन देंगे और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, वो तमाम लालच में आकर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक ये आधार भी है मेड इन चाइना 2025 इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका ये बेस भी एक तरीके से बना रहे हैं, आने वाले टाइम में अपने आप को और लार्ज स्केल पर ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं ताकि इनके प्रोडक्ट आसपास वाली मार्केट में जाकर बेचे भी जा सकें। वो कैसे देखने को मिलेगा, वो सीधा सीधा मुद्दा ऐसे देखने को मिलेगा, अगर ये जाकर लोन दे रहे हैं, एक तो लोन देने का जो तरीका है वो पसंद नहीं आता लोगों को, यानी कि नॉर्मली खासकर जो इंडिया हो गया या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया या फिर यूएसए हो गया, वो क्या बोलते हैं कि चाइना का जो लोन देने का तरीका है ना वो एक इनफॉर्मल है, यानी कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है। वो क्या करता है, पहले तो वहां पर जाकर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उनको पटाता है और फिर वहां पर उनको लोन का बहाना देकर उनको अपने कंट्रोल में करता है, यानी कि लोन देने के साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टी को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है उस पर्टिकुलर मुद्दे पर। इसी ही एक ऐसी चीज है जो कि क्रिटिसाइज करती है चाइना के क्रिटिज्म को और बढ़ाती है, और बोलते हैं कि ये जो छोटी छोटी कंट्री है उनको अपने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो लोन देकर फिर से लोन लेना फिर इंटरेस्ट पे करना वो वाली साइकिल उसमें ये डाल रहा है आज के दिन में छोटी छोटी कंट्री या फिर जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है उनको। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके की बात निकल कर आती है, ये बात हमेशा से ये देखने को मिलता है कि चाइना के जो प्रोजेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं आज तक अगर आप लोग देखेंगे जहां जहां इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है वो किसी ने भी रोल बैक नहीं किया कंप्लीटली, ये पॉलिटिकल कंट्रोल वहां पर करके रखते हैं, इसलिए रीनेगोशिएशन वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि कई बार जैसे
आप लोग देखते हैं, अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में बोला गया था कि पोर्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला इसको रीनेगोशिएट किया जाएगा, यानी कि कंप्लीटली कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि लोन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर उसके एक तरीके से बोझ में आकर कंट्री जो है ऐसे स्टेप नहीं उठा पाती है। इसी के साथ में आज के डेट में देखिए चाइना के द्वारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ये भी एक तरीके से सपोर्ट करने वाला है, यहाँ पर एक अलग बैंक आ गया जो कि कहीं ना कहीं पैरेलल में आकर खड़ा हो गया है वर्ल्ड बैंक और IMF के। तो ये एक तरीके का पैरेलल बैंक आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो पहले वर्ल्ड बैंक का या IMF के ऊपर डिपेंडेंट रहा करती थी, अब वहां से भी उनकी डिपेंडेंसी कम होती हुई जा रही है, तो ये भी एक लालच आप लोग देखते हैं। अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो 16+1 जिसमें चाइना भी इंक्लूड है, ये यहाँ पर अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कंट्री के मेंबर के साथ में। तो ये भी आप लोग देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से वार कर रहा है कंट्री के ऊपर, ताकि कोई कैसे भी उसको बनाकर रखे वो वहां से उसको बनाकर न रख पाए। अभी इटली की बात कर लें तो यूरोपियन यूनियन का फाउंडर है, पर फिर भी यहां पर इस तरीके से वो बाहर निकलकर और ये चाइना का जो कॉन्सेप्ट है रोड एंड बेल्ट वाला, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, यानी कि जो फिस्कल है यहां पर यूरोपियन यूनियन के, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, जो कि आज के डेट में इटली है, और उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा उसको फॉलो करने के लिए, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है वो हमेशा ये चाहता है कि सारी कंट्री को साथ में लेकर चला जाए। तो उनकी अलग से खुद से करेंसी भी है यूरो, आप लोग देखते हैं उनका खुद से डिफेंस सिस्टम है, अपना फॉरेन जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लगभग इक्वल चलती है यूरोपियन यूनियन की, तो तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से ध्यान में रखते हुए इटली उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, और इटली की जो इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है, वो चाहता है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिले, तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं चाइना भी चाह रहा है कि जो उसका जो यूरोप के अंदर जो फ्लो हो यहां पर उसके प्रोडक्ट का और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का, वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर इटली को पटा रहा है। तो इसीलिए यहां पर अभी जो बात की जा रही है, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग यहां पर विजिट पर जाने वाले हैं, तो देखने वाली बात होगी कैसे इनका MOU साइन किया जाता है और उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है, तो ये देखने वाली अच्छी बात होगी यहां पर। इसी के साथ में अगर देखें यूरोपियन जो एरिया है वहां पर, वो भी कहीं ना कहीं आज के डेट में देखते हैं अलग अलग एरिया में, जैसे कि आप लोग कंसर्न देखते हैं पेरिस फ्रांस के बीच में, बर्लिन, इस तरीके से लेकर आप लोग जर्मनी को देख लीजिए, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो चाइना का एक तरीके से प्रोजेक्ट है जो लेकर चल रहे हैं, मर्जर और एक्विजिशन का जो इनका एरिया है, जिस तरीके से ये किसी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कंट्री की जो आज के डेट में ये कंपनी है उसको खरीद रहे हैं, तो इसकी वजह से और भी यूरोपियन कंट्री काफी परेशान है। पर लेकिन इटली उससे अलग अलग थलग जाकर अपने अपने हिसाब से ये स्टेप उठा रही है। इसी के साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वो भी कहीं ना कहीं चाइना को एक तरीके से देख रहे हैं, आप लोग ट्रेड वॉर चल रहा है तो चाइना को उसमें कई सारे टैरिफ लगाए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन वो भी नहीं यहां पर कर पा रहा है, तो ये एक मुद्दा आप लोग देखते हैं। इसी तरीके से जब से चाइना ने 2001 में एंट्री की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब से लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहले जो था ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर जो यूरोपियन कंट्री है उसके हिसाब से चला करता था, आज के डेट में चाइना का फेवर कर रहा है कहीं ना कहीं, यानी कि इनडायरेक्ट में फेवर हो रहा है, कर नहीं रहा है, क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट हब बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इसी थी तब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी बात माननी बंद कर दिया, अगर आप लोग डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा आप लोगों को। पर लेकिन राइटर जो है वो यहां पर ये बोल रहे हैं कि चाइना को कंट्रोल करना ये एक तरीके से आप लोगों का छोटी सोच है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे 2008 में रिसेशन आया था, अगर फिर से वर्ल्ड में ऐसे ही रिसेशन आया तो क्या होगा, तो आप लोगों को यहां पर जो प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी है जो फॉलो करके चल रहे हैं वो सारी चीजें हटाकर एक ओपन और फ्री ग्लोबल कंपटीशन रखिए, यानी कि अपने एरिया में आप लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, कंपिटेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आइए, ताकि चाइना को आप लोग कंपटीशन दे सके। ये फालतू की हरकतें कर आप लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं वर्ल्ड का जो एक पैटर्न है, आप लोग उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये बात यहां पर इनके द्वारा बोली जा रही है। तो एक पॉजिटिव बात बोल रहे हैं हालांकि, तो देखते हैं कैसे इसको समझा जाता है और कैसे आगे चलकर चीजें निकल कर आती हैं। आगे बढ़ता हूं, आगे यहां पर बात की जा रही है, ये अभी हमारी कंट्री में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए बैंक से लोन लेते हैं और फिर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, तो उसी के चलते कई सारे बैंक के जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं, तो इसी के चलते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यहां पर इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो अभी जो यहां पर बोला गया, एक कंपनी है यहां पर, उसके द्वारा बोला गया यहां पर, जिसका नाम है यहां पर, यह आर सेलर मित्तल को टेक ओवर लेकर करने की बात की गई है, जो कि यहां पर एसआर स्टील, जो कि यहां पर इसको इसके द्वारा एक तरीके से लोन लिया गया और फिर एक तरीके से उसने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया। तो अब यहां पर यह है आर सेलर मित्तल, ये यहां पर इसको टेक ओवर करेगी, और ये जो डील यहां पर देखने को मिली ये 42,000 करोड़ की देखने को मिली। तो देखते हैं कैसे ये आगे चला जाता है इसको लेकर, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसको रख सकते हैं। आगे बात करता हूं, आगे बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर है
अभी ये मिनिस्ट्री, अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई, उसके द्वारा ये बोला गया कि आप लोग जो फॉरेस्ट कवर बोलते हैं ना कि हाँ ये जंगल वाला एरिया है, इसमें से आप लोग जो टोटल ट्री है उनको निकाल दीजिए, यानी कि जिसके घरों में किसी ने पेड़ लगा रखे हैं उसको आप लोग निकाल दीजिए, किसी ने कोई वैसा एक छोटा सा बाग लगा दिया उसको निकाल दीजिए, फॉरेस्ट कवर में आप लोग फॉरेस्ट काउंट कीजिए, ना कि ये सब काउंट करना है। तो इसीलिए जो ट्री कवर है यहाँ पर इंडिया का, वो जियोग्राफिकल एरिया जो हमारा है उसका 2.95% यानी कि लगभग 3% आप लोग बोल सकते हैं, तो उसको हटा दीजिए। तो उस टाइम से उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को काउंट कर चलना है, क्योंकि अगर इस तरीके से आप लोग कवर करते हैं उससे ढंग का फॉरेस्ट तो रहता नहीं है, अलग अलग कहीं ना कहीं आप लोगों को पेड़ देखने को मिलते हैं, तो उसको यहाँ पर साइड में करने की बात की गई है। और जो पास्ट में रिपोर्ट निकल कर आई थी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसके द्वारा भी ये बोला गया था कि 0.21% अगर देखा जाए फॉरेस्ट कवर में हमारा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो एक पॉजिटिव बात है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि वो इंडिया के साथ में सॉल्यूशन चाहते हैं, इंडिया के साथ में पीस चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फिर से निकल कर आए, और इसीलिए उन्होंने बोला है अपनी सोयल, अपनी जमीन से किसी भी तरीके का जो मिलिटेंट यानी कि टेररिस्ट जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी। और यूएस ने भी वॉर्न किया है कि कुछ ऐसे एक्शन लो ताकि यहाँ पर जो हरकतें चल रही हैं वो आगे न चलें। तो देखते हैं कितना सीरियस इसको लेते हैं और कितना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया ने भी टेंशन को शांत करने की कुछ की है, तो उन्होंने जो अपने हाई कमीशन है उसको वहां से बुला लिया था पुलवामा अटैक के बाद में, तो अजय साहब को फिर से भेजा जाएगा पाकिस्तान में ताकि सॉल्यूशन निकाला जाए आगे आने वाले टाइम में। तो देखते हैं कैसे बातें आगे बढ़ पाती है। मिग जो सीरीज के फाइटर हैं ये बार बार क्रैश होते रहते हैं, फिर से आप लोग देखते हैं क्रैश हो गया राजस्थान में बीकानेर में, तो ये मुझे नहीं पता है ये एक उड़ती, ये एक जीती जागती अर्थी पर लोगों को बैठाते हैं और फिर ये इतने सारे जाकर कहीं भी क्रैश हो जाते हैं, दुनिया भर के क्रैश हो चुके हैं फिर भी आज तक इनको लेकर चल रही है हमारी फोर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने लिए तो फैसिलिटी कर लेती है, पता नहीं क्या क्या खरीद दे जाते हैं, अपने लिए उनमें कोई कमी नहीं रहती है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट क्या वो तो एक तरीके से बर्बादी है, इलेक्शन में पैसा खर्च किया जाता है, पर लेकिन फोर्सेज के लिए वो कुछ ढंग का नहीं कर रही है, तो ये काफी एक तरीके से गंभीर मुद्दा है। आगे गवर्नमेंट के द्वारा यू टर्न कर लिया गया है, उसने बोला था कि राफेल मुद्दे से रिलेटेड मेरे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, पर लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल उनके द्वारा बोला गया कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। तो देखिए ये बच्चों वाली हरकतें यहां पर जो चल रही है ना इतने दिनों से, ये काफी करने वाली होती है, खासकर वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आती है, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री, अब ये, वो पहले बोला गया था इंदू ने ये चुरा लिया वो चुरा लिया, तो ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं सही नहीं है, एक तरीके से ट्रस्ट जो है वो कम करते हैं, खासकर एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं यानी कि लघु उद्योग जो होते हैं, उनमें ये बोला गया कि ओनली 3.32 लाख जो है यहाँ पर एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट किया गया है, यानी कि लगभग 3-3.5 लाख के करीब यहाँ पर इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ है ओनली, अगर पिछले 4 साल में आप लोग बात करेंगे सब एरिया को मिलाकर, तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के सर्वे के द्वारा बात की गई है, जबकि 2012 से लेकर 15 तक का जो डेटा था उसमें 11 लाख से ज्यादा नई जॉब क्रिएट की गई थी। तो ये आप लोग देखते हैं जॉब क्रिएशन के मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आज के टाइम में वो काफी पीछे है। फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई है, हरियाणा गवर्नमेंट को बोला गया है अगर अरावली जो हिल है उसमें फिर से उसने माइनिंग प्रोजेक्ट चलाए तो देखिए उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, पहले कुछ दिनों पहले राजस्थान को भी फटकार लगाई थी, तो देखते हैं क्या बातें की जाती हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर कैंसर की जो दवाई है वो 87% लगभग बोला गया है चीप हो जाएगी अब, क्योंकि एंटी कैंसर जो ड्रग्स है उसके ऊपर एक कैप रख दी गई है, यानी कि फायदा भी होगा जो यहाँ पर खरीद रहे बेच रहे हैं और उसी के साथ में इसका प्राइस भी कंट्रोल होगा। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर ये सारी बातें की गई है, उसके द्वारा लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी गई है वेबसाइट पे, ठीक है। ईएल सल्वाडोर आप लोगों से पूछा गया था, तो लोकेशन आप लोगों के यहाँ पर सामने है जो कि कंट्री है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं अगर अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करना चाहते हैं, तो बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग आएंगे इस साइड में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कैरेबियन कंट्री, यहाँ पर इसको आप लोग एक मिनट थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे, अभी ये देखिए आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई पर्टिकुलर कंट्री जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, एक मिनट ये आप देखिए, ठीक है। तो ये है यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। इधर आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर, ये हो गया कैरेबियन सी, और इधर आप लोग इसको देखेंगे दूसरी साइड में अगर आप लोग आएंगे यहाँ से इधर, तो ये आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो कैरेबियन और पैसिफिक ओशन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है ये कंट्री। यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है वो करेंसी के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है, ये इसका फ्लैग हो गया, और सेंट्रल अमेरिकन एक कंट्री है। अगर बात करें आसपास वाली कंट्री की, तो ग्वेटमाला हो गया यहाँ पर, ये होंडुरस हो गया, और ये निकारगुआ हो गया, और अगर बात करें इसकी कैपिटल की तो ये हो गया सैन सल्वाडोर। तो बात याद रखिएगा हल्का सा इसके बारे में और आसपास वाला रीजन जो है और इंडिया के कंपेयर में कहाँ पर पड़ती है, ये कैरेबियन सी हो गया और ये पैसिफिक ओशन हो गया, नॉर्थ पैसिफिक जिसको ये कनेक्ट करती है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर, जो कि आप लोगों को यहां पर आंसर देना है। कौन सी कंट्री है अभी G7 कंट्री जिसके द्वारा जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्ट लेने की बात की गई है। चाइना को देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना ने कब ज्वाइन किया था ये बताइए, तब से लेके काया पलट हो गई यहां पर एक तरीके से, जिस पैटर्न में फॉलो करके चला जाता वो हट चुका। अगर बात करें 5 जज की बेंच जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेड की गई, उसने 3 मेंबर का एक पैनल बनाया है। ये 3 मेंबर का पैनल यहां पर देखेगा किस तरीके से डिसीजन यहां पर निकाला जाएगा, जो कि अयोध्या डिस्प्यूट है, इसमें चेयरमैन कौन है ये आप लोगों को बताना है। नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा अभी अप्रूव किया गया 42,000 करोड़ का यहां पर रिजोल्यूशन, जिसके तहत एक ग्लोबल स्टील जो है यहां पर जो कंपनी है वो यहां पर टेक ओवर करने वाली है एसर स्टील को इन गुजरात, तो ये कंपनी कौन सी है वो बताना है। 3.3 लाख यहां पर जो है वो क्रिएट की गई है, ये सर्वे किसके द्वारा भी बोला गया है ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई गई है अरावली हिल को लेकर, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को ये बताना है किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसने बोला था कि 15 से लेकर 17 तक 0.21% जो फॉरेस्ट कवर है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ये प्रस्तुत किए गए हैं, अगर आप लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो ये तमाम वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये सारे आप लोग यूज कर सकते हैं, तो टोटल आप लोगों के सामने ये डॉक्यूमेंट है, तो इनका आप लोग हल्का सा नजर डाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो 1950 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं तो इसको वेरीफाई करने के लिए, तो ये भी हल्का सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया कनेक्ट रह सकते हैं आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूला कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।